तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 32 में क्वेश्चन नंबर 1, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, इसका क्या आंसर लिखा आपने? वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, पहला आंसर। दूसरा, सेंटर ऑफ मास तीन बॉडीज का हमने लास्ट टाइम किया था, तीन पार्टिकल्स का इसके इक्वल है। पोजीशन ऑफ फोर्थ मास टू बी प्लेस इन अ सिस्टम कि नया सेंटर ऑफ मास वो बन जाए, मैंने क्या ट्रिक सिखाया था? मैंने ये ट्रिक सिखाया था, ये तीनों के तीनों मास का एक मास ले लो 6 kg, तो इस 6 kg का कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 2, 2, और जो 4 kg है उसका कोऑर्डिनेट इमेजिन कर लो x, y, z, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है कितना आना चाहिए? 0, 0, 0। तो ये x1 मान लो, y1 मान लो, z1 मान लो, x2 मान लो, y2 मान लो, z2 मान लो, और ये x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास और z सेंटर ऑफ मास। तो कुछ नहीं है, आप x सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन लगा लो, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो x सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 0, m1 की जगह 6, x1 की जगह 2, m2 की जगह 4 और x2 की जगह x डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4। यहाँ से सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी आंसर, ठीक है? यहाँ तक ऐसी y निकाल लेना, ऐसी z निकाल लेना, जो x आएगा वही y आएगा, वही z आएगा। तो ये हमने लास्ट टाइम किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आज मैं ये करवाऊँगा, तो जब करवाऊँगा तब इसको सॉल्व कर लेंगे, और आप अभी या कर ही लो, चलो यहीं पे कर लेते हैं। देखो जरा कैसे होगा ये क्वेश्चन, ट्राई करो। तीन ब्रिक्स हैं, तीनों का मास बराबर है m, m और m, और लेंथ भी बराबर है l, l और l। अब वो क्या कह रहा है? डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम वॉल इज व्हाट? ये रही आपकी दीवार, ये रही वॉल, कितनी दूरी पे सेंटर ऑफ मास है तीनों ब्लॉक्स का? देखो रूल नंबर 1, इस ब्रिक का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इसके सेंटर पे। इस ब्रिक का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इसके सेंटर पे। और इस ब्रिक का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इसके सेंटर पे, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हमें सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, और हमें वाई कोऑर्डिनेट नहीं निकालना, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि कितनी दूरी दीवार से है, तो दीवार से जो दूरी होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट में काउंट होगी, वो वाई में काउंट नहीं होगी, राइट? तो ये बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी एक्स की दूरी कितनी है यहां से? एल बाई टू, सेंटर है इस ब्रिक का, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? एल बाई टू। अच्छा ये बताओ कि इसकी दूरी क्या होगी, ये दूरी क्या होगी, ये वाली कितनी? L by 2 plus L by 2। देखो पहले ये बताओ, ये ब्रेक अगर एग्जैक्टली इसके ऊपर होती, ये ब्रेक अगर एग्जैक्टली इसके ऊपर होती तो दोनों के सेंटर एक दूसरे के ऊपर होते, मानते हो? ये ब्रेक कितना आगे चली गई? L by 2। तो सेंटर ऑफ मास भी इसका कितना आगे चला गया? L by 2। पूरी ब्रिक अगर L by 2 आगे गई तो सेंटर ऑफ मास भी L by 2 आगे चला गया, कोई डाउट? अब सेंटर ऑफ मास L by 2 आगे गया, तो इसकी दूरी फर्स्ट ब्रिक के लिए ये दूरी L by 2 है, इस ब्रिक के लिए ये दूरी L by 2 तो है ही है, लेकिन सेंटर ऑफ मास आगे चला गया भाई L by 2, तो टोटल क्या हो गया? L by 2 प्लस L by 2, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? L by 2 प्लस L by 2। नेक्स्ट है, इसके लिए ये दूरी क्या होगी? देखो L by 2 तो है ही है, प्लस L by 2 तो है ही है, ये ब्रिक इस ब्रिक से कितनी आगे चलेगी? L by 4, तो ये एक्स्ट्रा और आगे चला गया बाय L by 4। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, फर्स्ट ब्रिक के लिए जो पहली ब्रिक है, ये देखो जो पहली ब्रिक है उसके लिए ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? L by 2। दूसरे ब्रिक के लिए इसका सेंटर जो होगा वो L by 2 तो होगा ही होगा, प्लस L by 2 भी होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा L by 2 बाहर गई हुई है। जो तीसरे ब्रिक है उसकी वैल्यू L by 2 प्लस L by 2 तो होगी होगी, साथ में L by 4 भी होगी, क्योंकि इससे भी L by 4 आगे चला गया। तो ये जो ब्रिक है L by 2 से आगे है कितनी? L by 2।
ये जो ब्रिक क्या है वो एल बाई टू प्लस एल बाई टू से आ गया बाई एल बाई फोर, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये इसका एक्स वन कोऑर्डिनेट है, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, मास सबका सेम है, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बोलो क्या लगेगा, एम वन एक्स वन, एम टू एक्स टू, एम थ्री एक्स थ्री डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। तो यहाँ से एम वन की जगह एम और एक्स वन की जगह एल बाई टू, एम टू की जगह एम एल बाई टू प्लस एल बाई टू, एम थ्री की जगह एम एल बाई टू प्लस एल बाई टू प्लस एल बाई फोर डिवाइडेड बाई एम प्लस एम प्लस एम। सॉल्व करो आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व करो, एम से एम कैंसिल करो, आंसर देखो क्या आ रहा है ऑप्शन में डी ऑप्शन। कितना 11/12 डी। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद 2 kg बॉडी है और 3 kg बॉडी है, एक्स एक्सिस की अलोंग है, किसी भी इंस्टेंट पर 2 kg बॉडी की वेलोसिटी क्या है, 3 है और 3 kg की वेलोसिटी 2 है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, क्या करेंगे, एम वन वी वन, एम वन वी वन, एम टू वी टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। तो पुट कर लेना, एम वन एम टू पता है, वी वन वी टू पता है, सॉल्व करके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या करना है? ठीक ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको ना इसकी एज देनी चाहिए थी इसको, तो ये हो नहीं पाएगा। नहीं तो इसके अंदर ये क्वेश्चन है कि आपके पास एक स्क्वायर है, 1 kg का मास यहाँ पर पड़ा हुआ है, 2 kg का मास यहाँ पर पड़ा हुआ है, 3 kg का मास यहाँ पर पड़ा हुआ है और 4 kg का मास यहाँ पर पड़ा हुआ है, ए बी सी डी। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आपको क्या आगे बन है कि एज यहाँ पर 1 m होना चाहिए, 1 m। तो ये 1 m कर लो, 1 m कर लो, 1 m कर लो और 1 m कर लो। एज ए डी इज टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये रहा ए डी, तो ए डी क्या है, वाई एक्सिस और ये क्या है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, राइट। अब आपको क्या करना है, इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट, इसको ओरिजिन मान लो 0, 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1, 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0, 1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1, 1। तो एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर वाई फोर, एम वन एम टू एम थ्री एंड m4। तो कर लोगे सॉल्व, x1 x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास कैन बी कैलकुलेटेड। क्वेश्चन गलत था, पर अगर 1 मीटर एज गिवन हो तो कैसे करना है समझ में आ रहा है। कॉर्नर वाले पॉइंट को हम ओरिजिन लेते हैं, ठीक है यहां तक हो जाएगा सॉल्व यहां तक। क्या आंसर है? सर है ए, ये क्वेश्चन हुआ। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, हमने HCl मॉलिक्यूल किया था, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, आपको टोटल डिस्टेंस गिवन है 1.130 एंगस्ट्रॉम, आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा कार्बन एटम से। तो कार्बन एटम को क्या मान लेते हैं, ओरिजन। तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, कार्बन का जो मास है वो 12 लेना है, ऑक्सीजन का 16 लेना है, 12 और 16। सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा नहीं, कहीं यहां पर होगा, 16 की तरफ होगा, कहां पर होगा, मान लो एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, ठीक।
तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये क्या है, 0,0, तो ये क्या बन गया, x1 एंड y1। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x,0। ऑक्सीजन का क्या बनेगा, 1.130,0। तो ये बन गया x2, ये बन गया y2, ये बन गया x सेंटर ऑफ मास, ये बन गया y सेंटर ऑफ मास, और ये बन गया m2, और ऐसे ये बन गया m1। तो x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 की जगह 12, x1 की जगह 0, m2 की जगह 16, 1.130 डिवाइडेड बाय 12 और 16। यहाँ से सीधा x आ जाएगा और x की हमने निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? सॉल्व करो, आंसर आ रहा होगा कितना आ रहा है, सी। देखो ऑप्शन अगर ध्यान से देखें तो आंसर ये तो हो नहीं सकता, क्या वहां पर मिलेगा सेंटर ऑफ मास, मतलब ही नहीं है यार, ये तो हो ही नहीं सकता। आंसर देखो 5.4, मतलब कहीं बाहर घूम रहा है, बहुत दूर, नहीं हो सकता भाई, ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, सी है और डी है, तो मतलब कम से कम दो तो एलिमिनेट होते ही हैं। ठीक है, तो दो एलिमिनेट होंगे, आंसर आएगा, चेक करो। तो कितना आंसर आ रहा है, सी आ रहा है। तो फिर आप कहोगे ज़्यादा कर दिया, 16 और 12 में बहुत दूरी है नहीं, अगर 16 16 होते सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड पॉइंट पे होता, मिड पॉइंट है 1.130/2, तो थोड़ा सा शिफ्ट करना है, तो आंसर 1.130/2 से थोड़ा सा करीब ऐड होके आएगा, तो सी आएगा यार, 0.3 कैसे आएगा, यही आएगा, तो सॉल्व भी क्यों करना है यार, मैं तो कह रहा हूँ सी आंसर आ तो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे बिना सॉल्व किए भी कुछ ना कुछ आंसर्स का हिंट तो मिल ही जाते हैं ऑप्शन देख के भी। ठीक है, सॉल्व क्या करना है, ऐसे हो गया था, चलो कोई बात नहीं, चलो ये ज़्यादा बेटर है, मैं तो कह रहा हूँ ये वाला। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल डिवाइड्स डिस्टेंस। देखो ये मैंने करवाया नहीं, अभी करवा रहा हूँ, आप जरा ध्यान से देख लेना इसको कैसे करना है। एक बात बताओ कि अगर कोई मास एम है और दूसरा मास भी एम है, तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ x1 इज इक्वल टू x2। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? रादर आप एक काम करो इसके अंदर, चलो यहीं से करते हैं, चलो पहले यही समझा देता हूँ, x1 इज इक्वल टू x2, राइट। अब इमेजिन करो कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, 0,0 इमेजिन करो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -x1,0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x2,0। ठीक है ना, ओरिजिन सेंटर ऑफ मास है तो यहाँ का पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव, राइट, क्लियर है। x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। एक्स सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 0, m1 × एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -x1 लेफ्ट की तरफ है, m2 × x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 0 से कट जाएगा ये तो गया, तो आंसर क्या आएगा, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। ये मैंने ये एज्यूम किया कि अगर मास बराबर नहीं है, ये m1 ले लो और ये m2 ले लो, अगर मास बराबर नहीं है तो x1 x2 भी बराबर नहीं होगा, तो रूल क्या लगेगा, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m × x इज अ कांस्टेंट, कि जितना बड़ा मास होगा सेंटर ऑफ मास की दूरी उतनी उसकी कम होगी, m × x इज अ कांस्टेंट। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है यहां तक? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो m1 या फिर x1 इसके अंदर x1/x2 इज इक्वल टू m2/m1, तो डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास जो है उसमें x1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। ऑप्शन पढ़ें, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम डिवाइड्स द डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास इन टू पार्टिकल सिस्टम को डिवाइड कर रहे हैं डिस्टेंस में, इनवर्सली रेशियो ऑफ मास ऑफ द
पार्टिकल, तो एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में डिवाइड करता है। समझ में आ रहा है ऐसा आंसर क्यों आया? ठीक है यहां तक? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट एट के बाद क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? एक बात बताओ, गोली चलती है, गन पीछे आती है, आइसोलेटेड सिस्टम है, M1 V1 M2 V2 आइसोलेटेड। हमने क्या सीखा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम में क्या रिजल्ट देता है? कि अगर सेंटर ऑफ मास गोली चलने से पहले रेस्ट पे है, तो गोली चलने के बाद भी रेस्ट भी रहेगा। तो अब गोली किसी एंगल पे चले या सीधी चले या ऐसे चले, ये थोड़ा कहा गया था गोली चली गन पीछे आई। सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियल रेस्ट पे है तो फाइनल भी रेस्ट पे ही होगा। तो भाई, तो वो कह रहा है गोली चली एंगल पे, चलने दो एंगल पे, ना चलाओ एंगल पे, सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो बाद में भी किस पे रहे? एट रेस्ट ही रहेगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो जब भी बुलेट चलेगी और गन पीछे आएगी, सेंटर ऑफ मास इनिशियल भी रेस्ट पे, फाइनल भी रेस्ट पे। उसी तरीके से अगर बोट पे मैन आगे जाएगा, बोट पीछे आएगी, सेंटर ऑफ मास इनिशियल भी रेस्ट पे और फाइनल भी रेस्ट पे। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी आ रहा है, वैसे गलत है, डी आना चाहिए, चेक करना डी। तो ये हमने किया भी था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल लेने आपने, तो मास हर पार्टिकल का एम एम और एम लेने आपने, साइड दो 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 मीटर लेनी है आपने, तो आपको क्या निकालना है इसमें? आपको इसमें वैल्यू निकालनी है सेंटर ऑफ मास की। तो ये ओरिजिन मान लेंगे 0.0 और ये एक्स एक्सिस है, तो 0.0 है, ये कितना है? 2.0 है, ये कितना है? ये निकालना पड़ेगा। टोटल 2 है तो आधा कितना है? 1। और वाई एक्सिस याद है मैंने कहा था निकालना पड़ेगा 60 डिग्री के हिसाब से, साइन ऑफ 60 विल बी इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 2, तो वाई इज इक्वल टू 2 × sin 60√3/2। तो यहाँ पर क्या आएगा? √3। x1 y1 x2 y2 x3 y3, m1 m2 m3, तो mm है, तो x सेंटर ऑफ मास y सेंटर ऑफ मास निकलेगा। तो सॉल्व करके x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आएगी 1 और y सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आएगी 1/√3। तो आपने जब इकट्ठा लिखना है, x के आगे क्या लगा देना है? I कैप, और y के आगे क्या लगा देना है? J कैप। तो I कैप प्लस J कैप इंटू 1/√3, तो D ऑप्शन आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे आंसर देना है इसमें? ठीक है, थ्री बाई फाइव आ रहा है। अच्छा, मैं चेक नहीं किया, हो सकता आ रहा हो। M1 M2 M3 गिवन है, सारे तो आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 गिवन है, x सेंटर ऑफ मास y सेंटर ऑफ मास निकालना है, वो भी सकता है। कितना? 3/5 4/5 आ रहा है। हाँ ठीक है, इसका आंसर 13th ये बना लो। क्या क्वेश्चन है?
दो ब्लॉक्स हैं ए एंड बी और 30 न्यूटन की फोर्स है, आप ये बताएं रेस्ट से स्टार्ट हुआ है ये सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ने 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। कोई मुझे ये बताएगा सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन क्या है, वन कैसे, ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो कि आप इसमें M1 A1 M2 A2 करने की जरूरत ही नहीं, सही कह रहे हो। देखो इसमें वो ये कह रहा है कि आप सिंपल एक्सेलेरेशन निकालो सिस्टम की, टोटल फोर्स बाय टोटल मास, टोटल मास का मतलब 20 प्लस 10, और जब आपने टोटल मास बोल दिया तो ऑटोमेटिकली ये एक्सेलेरेशन किसकी आएगी, सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि टोटल मास 30 kg जहाँ भी पड़ा होगा उसके ऊपर नेट फोर्स तो ये लगेगी 30, तो नेट फोर्स बाय टोटल मास विल गिव एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे समझ लो जब सिस्टम मूव करेगा इसकी एक्सेलेरेशन भी 1 है, इसकी भी 1 है, रस्सी की भी 1 है, सेंटर ऑफ मास की भी 1 है, हर कोई तो 1 के साथ मूव करेगा, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन क्या आएगी यहाँ पर 1। पर सेंटर ऑफ मास के लिए आप अप्लाई करो एस इज इक्वल टू 0 + 1/2 a × 2² आंसर 2 मीटर आंसर। सेंटर ऑफ मास जैसे स्टार्ट हुआ एस इक्वल टू u² + 1/2 a² लगाओगे तो एस की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट डी, अ बॉम्ब ट्रैवलिंग इन अ पैराबोलिक पाथ अंडर ग्रेविटी, एक बॉम्ब पैराबोलिक पाथ में ट्रैवल कर रहा है, फट गया, तो सेंटर ऑफ मास कैसे ट्रैवल करेगा, पैराबोलिक पाथ में ही करेगा, जैसे अनएक्सप्लोडेड बम जाता है बिल्कुल वैसा ही, ये डिस्कस किया था हमने लास्ट टाइम। ये क्वेश्चन हो गया था, करना हो गया, पी पोजिशन हाँ कर लो, दे दिया, करना आंसर क्या है, देखो क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स इज टेकन एट ओरिजिन, तो एक काम करते हैं इसको एक ही लेते हैं, 3 + 2 + 1 कितना हुआ 6 ग्राम, तो 6 ग्राम या 6 kg जो लेना है लो, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, 0, एक और फोर्थ मास है 4g, और 4g का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है XYZ, और इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आ जाए 1, 2, 3 पे, तो ये क्या है एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास, जेड सेंटर ऑफ मास, तो एक्स सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, एक्स सेंटर ऑफ मास निकलेगा M1 X1 M2 X2 M1 + M2, एक्स सेंटर ऑफ मास कितना है 1, M1 की जगह 6, X1 की जगह 0, 4 ×
एक्स डिवाइडेड बाय 6 + 4 सॉल्व करके क्या आएगा एक्स, उसी तरीके से क्या आएगा वाई, क्या आ रहा है 2/5, उसी तरीके से क्या आएगा जेड, क्या आ रहा है 2/5, तो अल्फा जो है क्या 2/5 आ रहा है, तो ठीक है 2/5 आंसर आ गया, मतलब आपको एक्स वाई जेड डिफरेंट आएंगे पर जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ 2 और 3 कॉमन निकलेगा। आंसर नहीं सॉल्व करके क्या आ रहा है चेक करना इसे, तो 5/2 5/2 है, फिर 2/5 क्यों बोला, ये 10 ऊपर आएगा और 4 नीचे आएगा, 5/2 है भाई, 5/2 है क्या है, सॉल्व तो करना है 10 इधर, तो ये ठीक है 5/2, तो 5/2 में आंसर आ गया। ठीक है पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, सेम है ये 4 पार्टिकल वाला, नहीं ये तो बाद में करने अभी दिया दिया नहीं मैंने, ये सेम है 4 पार्टिकल वाला सेम, ये वाला 18 था। 2 पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पास आती हैं, ए की स्पीड वी और बी की 2v है, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी। अच्छा म्यूचुअल अट्रैक्शन इंटरनल फोर्स है कि एक्सटर्नल है, मैंने जाके तो नहीं लगाई ना, म्यूचुअल इंटरनल इंटरनल है, इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को चेंज नहीं करती, जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। तो अगर वो इनिशियली रेस्ट पे था और इंटरनल फोर्स एक्ट कर रही है और हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे ग्रेविटी की फोर्स है, मान लो अर्थ नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कहाँ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, टूवर्ड्स अवर सेंटर ऑफ मास, हमारा हम कहाँ मिलेंगे सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे, तो सेंटर ऑफ मास तो वो नहीं हिलेगा, अगर मेरा मास ज़्यादा है तो मैं स्लो मूव करूंगा m1v1, इसका मास कम है तो ये तेज मूव करेगा, तो m1v1 = m2v2 या m1x1 = m2x2, तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, इनिशियली रेस्ट पे फाइनली भी रेस्ट पे ही रहेगा, तो आंसर 0 रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम भी कह सकते हैं, m1v1 m2v2 कह सकते हैं, नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी सी लाइज ऑलवेज इनसाइड अ बॉडी, और ऑप्शन भी देख लें, और ऑप्शन है लाइज ऑलवेज ऑन द सरफेस, नहीं मे का मतलब हो सकता है लाइज विद इन, अंदर भी हो सकती है, आउटसाइड बाहर भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास, और सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, रिंग लो रिंग का मास रिंग के ऊपर है पर सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, बॉडी के बाहर है आउटसाइड, डिस्क लो डिस्क की थिकनेस नहीं है सरफेस के ऊपर मिलेगा आपको, तो कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन भी रहेगा, क्योंकि ये मस्ट है ना, मस्ट में प्रॉब्लम है, मस्ट का मतलब होना ही है, मे का मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये किया हुआ स्ट्रेट लाइन और वो वाला क्वेश्चन ये आज करेंगे थोड़ी देर में। ये भी आज करेंगे, ठीक है सफिशियंट है यहाँ तक।